ज्येष्ठ मास के अवसर पर पूरे महानगर के साथ साथ गंगा दशहरा और गायत्री जयंती के शुभ अवसर पर शांति कुंज हरिद्वार और गायत्री परिवार द्वारा गायत्री जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में युग शक्ति गायत्री चेतना केंद्र द्वारा भंडारे और शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेठ मास के अवसर पर पूरे महानगर के साथ साथ गंगा दशहरा एवं गायत्री जयंती के शुभ अवसर पर शांति कुंज हरिद्वार और गायत्री परिवार द्वारा गायत्री जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी क्रम में युग शक्ति गायत्री चेतना केंद्र 62 आवास विकास सिविल लाइंस एवं गायत्री पीठ लाइन पार पर यज्ञ और उसके बाद भंडारे और शरबत वितरण आदि के कार्यक्रम का आयोजन गायत्री परिवार ट्रस्ट मुरादाबाद द्वारा किया गया। शांति कुंज हरिद्वार से आए श्री घनश्याम त्रिपाठी ने यज्ञ संस्कार आदि कराए। इसी के साथ गुरुदेव द्वारा उपस्थित सभी गायत्री परिवार से जुड़े श्रद्धालुओं द्वारा पंचकुंड भवन कुंड में आहुतियां प्रवाहित कर विश्व में अमन और शांति के साथ साथ सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही पूरा वातावरण वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंज रहा था। वहीं पंचकुंडीय हवन से उठ रही सुगंध से पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा था। इस अवसर पर गुरुदेव के विचारों को अपने मुखारबिंद से समस्त कार्यकर्ताओं के समक्ष बताया गया। इस अवसर पर भीषण गर्मी में सूखते गलों को कुछ हद तक राहत दिए जाने के उद्देश्य से कार्यक्रम स्थल पर शीतल शरबत का वितरण हुआ, जिसे बड़ी संख्या में राह से होकर गुजर रहे राहगीरों ने शीतल शरबत को पिया। इसके बाद माँ गायत्री देवी एवं अग्निदेव को लगाए गए भोग को उपस्थित लोगों ने भंडारे के रूप में ग्रहण किया, जिसे ग्रहण कर सभी ने धर्म लाभ अर्जित किया। ये हमारा जो गायत्री परिवार अखिल विश्व गायत्री परिवार मिशन है, हमारा एकमात्र मिशन है विचार क्रांति अभियान। विचार से ही अगर विचार शुद्ध होंगे तो इच्छा शुद्ध होंगी, इच्छा शुद्ध होंगी तो कर्म अच्छे होंगे, और जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तो सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित रहेंगे। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे मिशन का जो साहित्य है, गुरुदेव हमेशा यही कहते थे बेटा मेरे साहित्य पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे मुझे पालन के लिए जरूरी नहीं है कि तुम दीक्षा लो गायत्री, लेकिन मुझे फर्ज होकर मेरे विचार होगा तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो मैं अपने हमारे यहाँ और अब तो नेट पे भी सब कुछ उपलब्ध है, तो अधिक से अधिक हमारे विचारों को मिशन के विचारों को पढ़ें और अपने जीवन को धन्यवाद, उससे निश्चित रूप से आपकी समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और परम पूज्य गुरुदेव परम पत्नी माताजी ने कहा है कि आपकी कोई भी समस्या हो अगर आप हमारे विचारों को पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका समाधान प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। इस दौरान मुख्य रूप से एलके त्यागी, शीला त्यागी, एसएन मिश्रा, पवन, बबीता, संतोष नारंग, देवदत्त नारंग, दीपक त्यागी आदि ने विशेष सहयोग प्रदान किया।